The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक हम बात करेंगे इम्परफोरेट हाइमेन की हाइमेन आप सबने सुना होगा लेकिन इम्परफोरेट हाइमेन क्या होता है आई बेट 90% आप में से लोग नहीं जानते होंगे और मिसअंडरस्टैंड करेंगे बट देन लेट मी टेल यू हाइमेन एक बहुत थिन सी मेम्ब्रेन पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो वजाइना के ओपनिंग का आधा से आधे के आसपास कुछ हिस्सा कवर करके रखती है राइट और इम्परफोरेट हाइमेन तब होता है जब ये वजाइना का आधा या आधे से ज़्यादा नहीं पूरा का पूरा ओपनिंग कवर कर दे पूरा भर दे राइट इम्परफोरेट हाइमेन ज़्यादातर मोस्ट कॉमन यही रीज़न होता है जब वजाइनल ओपनिंग ब्लॉक होती है क्यों ब्लॉक होगी कब ब्लॉक होगी ऑब्वियसली ये तब होता है बचपन से ही होता है बच्चे जो लड़कियां इसके साथ पैदा होती हैं पूरा का पूरा भरा हुआ हाइमेन कवर्ड होता है और ये इसका कोई कारण स्पेसिफिकली नहीं पता लेकिन बचपन से बना ही ऐसी बन गया इसमें किसी ने कुछ नहीं किया ना मदर ने ना किसी ने कोई ऐसी कोई चीज़ करी हो कि भर जाए ऐसा कुछ नहीं सो वजाइनल ओपनिंग भरी तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा ये पता चलता है जब लड़की बड़ी होती है उनका जब फर्स्ट पीरियड शुरू होता है क्योंकि इम्परफोरेट हाइमेन है तो पीरियड शुरू होगा तो ब्लड जो है वो वजाइना से बाहर ही नहीं आएगा जी हाँ पहली बार जब ब्लीडिंग होगी पीरियड्स की तो वजाइना के बाहर ब्लड ही नहीं आएगा वो वहीं वजाइना में भरा का भरा भरता जाएगा और उनको एक नीचे लोअर एब्डोमेन में भरा भरा फील होगा और वो बढ़ता जाएगा तो पेट दर्द शुरू हो जाएगा और बैक पेन पीछे पीठ में दर्द शुरू हो सकता है पेशाब में दिक्कत आ सकती है बाउल लैटरिन में दिक्कत आ सकती है ये सब हो सकता है राइट सो ऐसे टाइम पे फिर हमें वो होता है कि हाँ ये इम्परफोरेट हाइमेन है लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए कि और कुछ तो नहीं है जब डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर्स टेस्ट करते हैं क्या क्या टेस्ट करते हैं एक तो ऑब्वियसली वजाइनल एग्जामिनेशन में पता चलता है कि इम्परफोरेट हाइमेन है लेकिन उसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि आपका पेल्विक एग्जाम होता है अल्ट्रासाउंड होता है किडनीज़ के लिए किडनीज़ देखने इंटेस्टाइन देखने के लिए वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है राइट वो सब नीचे ओवरीज यूट्रस वहाँ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है राइट और इम्परफोरेट हाइमेन ही है और कुछ नहीं है तो फिर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको एक छोटी सी सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी एक माइनर सर्जरी जिसमें एक छोटा सा चीरा मार के इंसीजन के साथ में हाइमेन का जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो आपके मेम्ब्रेन है एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन जो पूरा का पूरा कवर कर रहा है तो थोड़ा सा पार्ट उसका निकाल दिया जाता है जिससे कि जो फीमेल है उसके मेंसेस का ब्लड प्रॉपरली बाहर आ सके और उसका प्रॉपर मेंसेस हो सके उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है आगे चल के वो अपना नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स भी नॉर्मल डिलीवरी भी नॉर्मल मेंसेस उसके सारे फिर नॉर्मल होती हैं आगे की ज़िंदगी राइट और ज़्यादातर लोग जो लड़कियों का ये ऐसा प्रॉब्लम होता है तो उनकी जो सर्जरी होती है ये प्यूबर्टी के टाइम पे की जाती है जब उनका ग्रोथ स्पर्ट होता है जब ब्रेस्ट या प्यूबिक हेयर आने शुरू होते हैं मेंसेस शुरू होते हैं तब के टाइम पे और चाहे बचपन में पता चल जाए चाहे बड़े होने के बाद पता चला है ऑपरेशन तभी किया जाता है क्योंकि तब तक कोई काम ही नहीं है वजाइना से कुछ बाहर आने का राइट दैट्स द थिंग है ना और ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों में वो हीलिंग हो जाती है कुछ दिनों तक वहाँ वजाइनल ओपनिंग को ओपन रखने के लिए क्योंकि वहाँ इंसीजन मारा जाता है इंसीजन जहाँ भी मारा जाता है मेक श्योर किया जाता है कि वो वहाँ 15-15 मिनट के लिए कुछ दिनों तक डायलेटर डाला जाए वो फीमेल लड़की खुद डाल सकते हैं एक टैम्पोन के जैसा एक डिवाइस होता है डायलेटर होता है दैट कीप्स वो क्या करता है ओपन रखता है ओपनिंग को ताकि वो खुद ब खुद ओपनिंग जो है बंद ना हो जाए और ऑपरेशन के बाद जैसा मैंने कहा नॉर्मल रहती है लाइफ नॉर्मल पीरियड्स नॉर्मल टैम्पोन्स नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉर्मल चिल्ड्रन बच्चे तक वो आगे चल के ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली सो ये है बात सिंपल सी इम्परफोरेट हाइमेन की ये कई लोग कंफ्यूज करते हैं ये वो चीज़ नहीं है कि फीमेल को पेन हो रहा है ज़्यादा फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स के दौरान दैट इज़ नॉट इम्परफोरेट हाइमेन इम्परफोरेट हाइमेन ये होता है राइट सो आई होप दिस क्लियर द डाउट राइट सो ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए चैनल आई एम डॉक्टर परमजीत कल फिर मिलते हैं
Stay connected, stay healthy.